नमस्कार दोस्तों, वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेथी दाना के क्या चमत्कारिक फ़ायदे हो सकते हैं वज़न घटाने में, कोलेस्ट्रॉल घटाने में, डायबिटीज़ वालों के लिए और भी बहुत सारे ढेरों फायदे, और मेथी का पानी कैसे बनाते हैं, कैसे उसका सेवन करें, ये सारी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में बताई हैं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा। मेथी का पानी कैसे बनाएं, मेथी का पानी पीने के क्या फ़ायदे होते हैं, सारी चीज़ों के जवाब और कुछ टिप्स मैं आपसे आज शेयर करूंगी इस वीडियो में। वज़न घटाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन असंभव नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें डेडिकेशन ज़्यादा लगता है। तो जब वज़न घटाने की हम बात करते हैं तो मेथी दाने की बात ज़रूर होती है दोस्तों। तो ये मेथी दाना एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो किसकी मसालदानी में नहीं होता होगा, हर इंडियन जो स्पाइस बॉक्स होता है किचन में ये ज़रूर मौजूद होता है और बेहद सस्ता मिलता है। कोई भी महंगा इंग्रेडिएंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको वज़न घटाने के लिए। और मेथी का जो पानी होता है उसको पीने के जो शानदार फ़ायदे हैं वो सिर्फ वज़न घटाने के लिए नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हैं। ज़्यादातर लोग जब दोस्तों सुबह उठते हैं तो उठ करके चाय या कॉफ़ी ही पीते हैं, शायद ही कोई पानी पीता होगा। अगर आप सुबह उठ करके 300 से 400 ml सादा पानी भी पीना स्टार्ट कर दें तो आप बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इस टाइप की कोई भी वेट लॉस ड्रिंक, जो मेरे चैनल पर बहुत सारी अवेलेबल हैं, कोई भी डिटॉक्स वाटर, इस तरह का कोई भी पानी आप सुबह खाली पेट पीते हैं तो आपको दिन भर हेल्दी रखते हैं, एनर्जी देने में मदद करते हैं और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि मेथी में क्या क्या होता है। तो मेथी में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल होते हैं और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मेथी वाला पानी पीने से सबसे अच्छा जो होता है दोस्तों, ब्लड शुगर लेवल जो होता है, जिनको शुगर होती है, डायबिटीज होती है, वो जो है कंट्रोल रहती है। साथ ही कब्ज, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि पेट साफ़ नहीं होता है, पेट में ऐंठन रहती है, कब्ज रहती है, लंबे समय से कब्ज उनको रहती है, तो उससे भी छुटकारा इससे मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों ये जो हमारा मेथी दाना है ना, इसमें सोडियम, जिंक, फॉस्फोरस, फोलिक एसिड, आयरन बहुत सारा होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम जैसे मिनरल्स और विटामिन बी और सी और ए भी पाए जाते हैं इसमें भरपूर मात्रा में। इसमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है और फॉस्फोरिक एसिड जैसे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो शरीर को हमारे बहुत तरीके से स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है, डायबिटीज़ वाले लोग इस पानी को ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कब्ज वगैरह के लिए, वज़न घटाने के लिए दोस्तों, क्योंकि जो मेथी होती है आपने हमेशा सुना होगा मेथी की जो सब्ज़ी होती है यानी पत्ते की जो होती है, मेथी की पत्तियाँ, वो सर्दियों में इसकी सब्ज़ी ज़्यादा खाई जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेथी है इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है और जब हम इसका पानी पीते हैं तो पीने के बाद शरीर में हीट पैदा होती है जिससे वज़न घटाने में मदद जो है मिल सकती है। लेकिन गर्मियों में इसका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, संभल कर करना चाहिए। अगर आप कर भी रहे हैं गर्मियों में इसका सेवन और आपको लगता है कि आपको इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे रहे हैं तो आपको इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कैसे बनती है ये ड्रिंक। एक ग्लास पानी आपको लेना है 250 ml के लगभग, एक छोटा चम्मच मेथी दाना लेना है, इसे बस इतना मेथी दाना, ये चम्मच तो बहुत बड़ा है इसलिए मैंने यहाँ पर खाली चम्मच लिया है, एक छोटा चम्मच मेथी दाना पानी में रात को सोते समय भिगो देना है। जब आप सुबह देखेंगे तो पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, जो ये मेथी के बीज हैं ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे और सुबह उठ करके इसे छान लेना है क्योंकि बीज जो है वो फूल चुके होंगे और बीज का सारा अर्क पानी में आ चुका होगा। इसके बाद में जो है हम छान करके जो पानी मिलेगा मेथी वाला उसे आपको सुबह खाली पेट पी लेना है। अगर दूसरा तरीका बताती हूँ, इन केस अगर आप भूल गए हैं रात को मेथी भिगोना तो आप सुबह क्या करें, एक चम्मच मेथी लें, एक छोटा चम्मच, जितनी मात्रा मैंने पहले बताई उतनी ही मात्रा, एक गिलास पानी लें 250 ग्राम के लगभग, किसी बर्तन में डालें, चाय वाले भगोने में भी ले सकते हैं, दोनों चीज़ों को 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएं। इसके बाद में गैस को बंद कर दें, ढक्कन से ढक दें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे जितना भी मेथी दाना का अर्क है वो पानी में आ जाएगा। इसके बाद इसे छान लें, यानी कि मेथी और पानी को हमें उबालना है
दो चार मिनट के लिए उबाल कर उसे 10 मिनट के लिए रख देना है, फिर छान कर पानी को थोड़ा ठंडा करके सुबह पी लेना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मेथी का पानी कैसे बनाएं और मेथी से जुड़ा हुआ घरेलू नुस्खा। आप इसे आजमा सकते हैं वजन घटाने के लिए, कब्ज वगैरह के लिए, शुगर वाले लोग, और भी इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको अगर समझ में आता है इसका, तो आप तुरंत बंद कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में मेथी का सेवन थोड़ा सा गर्म होती है, इसलिए कंट्रोल्ड क्वांटिटी में लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और पसंद आई हो जानकारी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की आसान जानकारी मिलती रहेंगी।